झारखंड हाई कोर्ट में रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी के दो अलग अलग मामलों पर सुनवाई हुई। इनमें हजारीबाग और रामगढ़ का गोलीकांड शामिल है। कोर्ट ने हजारीबाग मामले में ममता देवी को जमानत दे दी है। रामगढ़ मामले में सुनवाई के लिए 31 मार्च की तारीख तय की गई है। बता दें कि ममता देवी को दो अलग अलग मामलों में सजा सुनाई गई थी। एक में उन्हें 5 साल और दूसरे में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा कम होने की उम्मीद में एक अपील दायर की गई है। आज की सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। राज्य सरकार का पक्ष अधिवक्ता भोलानाथ ओझा ने रखा। बता दें कि जब तक रामगढ़ मामले में फैसला नहीं आता है तब तक ममता देवी जेल में ही रहेंगी। बताते चले कि 13 दिसंबर 2022 को रजरप्पा थाना कांड संख्या 79/2016 में ममता देवी सहित 13 आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं दूसरे मामले में 4 जनवरी 2023 को हजारीबाग की विशेष कोर्ट ने गोला गोली कांड के चौथे मामले में ममता देवी और भाजपा नेता राजीव जायसवाल को 2 साल की सजा सुनाई थी। रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी के मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति नवनीत कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत ममता देवी को हजारीबाग मामले में जमानत की सुविधा प्रदान की है। अभी एक अन्य मामला रामगढ़ का लंबित है जिसकी सुनवाई 31 मार्च को होगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।